परम गुरुदेव के साथ श्री गुरु महाराज तो इस क्षेत्र के बाद में मैं हमारे ध्रुव शर्मा कहाँ है मैं निवेदन करूंगा छोटा सा बच्चा नन्ना सा बच्चा जिसके ऊपर गुरुजी की विशेष कृपा हुई और वो 2.5 साल की उम्र से ही आ ही करने लगा और आज आप लोगों के सामने उसने क्या दिव्य यहाँ पे ग्राम जो शास्त्रीय संगीत का मूर्त है वो प्रकट किया। मैं कहूँगा कि अपने हाथों से गुरुजी को अपनी नई पेशकश डीवीडी प्रदान करें। गुरु महाराज जी इस बालक ने गुरुजी जो क्या कह रहे हैं गुरुजी इस बालक ने ये संकीर्तन गाए हैं बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन म्यूजिक के साथ और मैं हमारे श्रीपाद श्रीकांत प्रभु जी और श्रीपाद हमारे श्रीपाद सुमन प्रभु जी से निवेदन करूंगा वो लोग भी अपनी अपनी डीवीडी वहां देंगे। और विशेष एक बात कहते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है गुरु महाराज जी ये पांडे जी श्री राम भजन पांडे जी परिचय कराना नहीं चाहिए लेकिन गर्व से कराऊंगा क्योंकि ये परम गुरुदेव के शिष्य हैं। 1957 में इन्होंने परम गुरु से अभिनाम लिया और आज तक ये ना जाने कितने भक्तों को भगवान के चरणों में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। निष्कपट वैष्णव श्री राधा मोहन दास अधिकारी जी इन्हें मैं प्रणाम करता हूँ गुरुदेव के सामने इसलिए क्योंकि सबसे पहले मेरे गुरु ये हैं ये मेरे शिक्षा गुरु ही हैं और मेरे शारीरिक संबंध से पिता गुरु। अब श्रीकांत प्रभु और हमारे सुमन प्रभु जी अपना अपना उपहार गुरु जी को दें। हाँ एक बात बड़ा ही सुंदर सुमन प्रभु एक बात बड़ा ही सुंदर आपको संदेश दे रहा हूं श्री महाप्रभु जी की शुद्ध भक्ति वाणी ये गुरु महाराज जी ने जब लुधियाना में गुरु महाराज जी थे और उस वक्त गुरु महाराज जी ने भक्तों को ये कहा कि कुछ ऐसा हो आजकल बहुत से चुटकुले कहानियां ये सब आलतू फालतू की चीजें निकल रही हैं कुछ ऐसा होना चाहिए शुद्ध भक्ति वाणी ही हो गुरु वर्गों की वाणी ही हो वो मैं जिन पहली गौर पूर्णिमा के समय निकली है जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत करें। ये चैतन्य महाप्रभु जी की पेशकश मतलब गुरु महाराज जी के द्वारा गुरु जी के संन्यास उत्सव के उपलक्ष्य में ये दो बार निकलेगी पूरे वर्ष में एक बार गौर पूर्णिमा के समय और एक बार जन्माष्टमी के समय। मैं निवेदन करूंगा श्री राकेश कपूर जी से कि ये उसे महाराज जी को प्रणाम करें राकेश कपूर और गुरु महाराज जी इसके फर्स्ट मेंबर हैं पहला गुरु जी ने रसीद कटवाई है गुरु महाराज जी के फर्स्ट मेंबरशिप की आइए आप निवेदन करेंगे गुरु महाराज जी से उसे कि वो लोग अपने इस कृपा करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ परम पूज्य पाध्याय पताका महाराज जी का कि जिन्होंने यहाँ आकर के हमारे गुरुदेव के इस उत्सव में अपनी तरफ से श्रद्धा के पुष्प और हमें प्रेम प्रदान किया। श्री और भक्ति विकास स्वामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने आकर के हम लोगों को कृपा की। हमारे बीच में डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जम्मू से पधारे हैं जिन्होंने गुरु महाराज जी के इस 50th संन्यास एनिवर्सरी के ऊपर एक कमेंट्री दी है। वो कमेंट्री दी है विदेश प्रचार में गुरु जी कैसे विदेश प्रचार में थे बड़े अद्भुत उसमें दृश्य हैं आप सब इसे जरूर लीजिएगा। राजेंद्र मिश्रा जी नायक आपसे निवेदन है कि सब लोग गुरु महाराज जी के स्वागत में अपने आप को अर्पण किए हुए हैं और
मैं नहीं कहूंगा कि मैं अभी तक अर्पित नहीं हुआ हूं, लेकिन गुरु जी ने मुझे पकड़ रखा, गुरु महाराज जी ने मुझे पकड़ रखा। परम पूज्य पाद पर्यटक महाराज जो कि गौड़ीय वेदांत समिति के आचार्य ने देखी, गौड़ीय वेदांत समिति के सब वर्तमान के आचार्य देवानंद गौड़ीय भट्ट के, सॉरी देवानंद गौड़ीय भट्ट के आचार्य, जिनको गुरु जी बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह है, कृपा करके आए और हजारों शिष्यों के बीच को छोड़ करके गुरु जी के पास प्रेम लेने के आए। धन्यवाद है महाराज जी आपका, धन्यवाद परमात्मा महाराज का जो कि हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं, और धन्यवाद है, लाइट ऑफ नहीं होनी चाहिए, धन्यवाद है इन सभी महापुरुषों का जिन्होंने यहाँ आकर के इसको शोभा बढ़ाई है। आप सबसे निवेदन है भक्तिदास महाराज गुरु जी को मान्य अर्पण करें। आपसे निवेदन गुरु महाराज जी को, गुरु महाराज जी को जयपटाका महाराज जी कुछ नरसिंह भगवान का प्रसाद दे रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा गुरु जी से ग्रहण करें। ये कुछ आमलोकी का कुछ है, कुछ ये तेल है, नरसिंह भगवान का प्रसाद है, गंगा जल इत्यादि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महापुरुषों का जिन्होंने हम पे कृपा की, इन लोगों के यहाँ आने पे हम सबका आनंद जो बढ़ा है।